विस्तार से बताया जी इसके बारे में, इसके के बारे में। प्रधानमंत्री जी 2016 से और चुनाव के दौरान भी कह रहे हैं कि फार्मर्स की इनकम दुगनी करेंगे, लेकिन उसके लिए जो कार्य उन्होंने किया है और बार बार ऑपरेशन ग्रीन के लिए उन्होंने 500 करोड़ घोषित किया, ऑपरेशन टॉप्स कह रहे हैं टमाटर आलू और प्याज, लेकिन इन सबके बीच में जो मंशा है, एक तरफ वह योजनाएं घोषित कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ जो काम दिखना चाहिए और जो एमएसपी की जो बात अभी कही कि जो मौजूदा हालात हैं उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और सबसे बड़ा दिक्कत है एक्सेस का, कि किसान एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ कहीं भी प्रोक्योरमेंट हो भी रही है वो उस प्रोक्योरमेंट को भी वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पेमेंट्स में भी डिले है। अगर सरकार खरीदी भी करती है तो कोई भी किसान, क्योंकि उन्हें तुरंत पैसे चाहिए होते हैं, तो वो तुरंत से एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो एमएसपी तो घोषित हो जाता है, सरकार कहती भी है कि हम इतनी प्रोक्योरमेंट करेंगे, लेकिन किसान को, जो छोटे किसान हैं, वो बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। और उसके लिए जो एक्सेस इम्प्रूव करने के लिए जो चाहिए, इस बार घोषणा हुई है कि हाट बनाएंगे, और लेकिन हाट में भी जो बजट में जो घोषणा हुई है वो हाट इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप करेंगे, शायद हाट बेहतर हो जाएंगे, लेकिन एक्सेस की जो प्रॉब्लम है वो उसको दूर करने के लिए कोई कारगर उपाय नहीं दिखे हैं। अभी अशोक गुलाटी जी का लेख कल परसों इंडियन एक्सप्रेस में आया था, उन्होंने कहा एज एन एक्सपर्ट कि प्रधानमंत्री से डिफर करते हुए कि 2022 तक तो नहीं, 2030 तक होगा, लेकिन 2030 तक होगा उसके लिए भी सरकार को जो कदम लेने चाहिए, जो उठाने चाहिए, वो नहीं ले रहे हैं। तो ऐसी हालत में हमें लगता है कि सरकार की जो सीरियसनेस है, और जिस तरह से बजट स्पीच के दौरान वित्त मंत्री जी ने झूठ बोला सदन में, पूरे देश को गुमराह किया, वैसे में हमें नहीं लगता कि कुछ होने वाला है। लेकिन हमारे सामने विकल्प है, किसान आंदोलन अहिंसक है, अहिंसक रहेगा, और हम जितना भी हो सकता है, क्योंकि एक तरफ जो राज इनका बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष पे आक्रमण कर रहे हैं, हमले बोलते जा रहे हैं, वैसे में जन आंदोलन के साथी भी विपक्ष में ही है, क्योंकि हम विपक्ष में खड़े हैं, और इस विपक्ष के पास जो हमेशा हमारा रास्ता रहा है सड़क का रास्ता, उस सड़क के रास्ते पे ही है। ये सत्याग्रह भी देश में एमएसपी सत्याग्रह किसानों के बीच और उनके बीच जाने के लिए, एक तरफ तो है कि हम डिमांड करें जमीनी हकीकत क्या है, लेकिन दूसरी तरफ हम यह भी करना चाहते हैं कि जो झूठ सदन में बोला गया उस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए भी ये जो जनता दरबार या एमएसपी के लिए जो किसान दरबार लगेगा हर एक मंडियों में, वहां पर हम यह काम करेंगे। ये सरकार की झूठ का पर्दाफाश बहुत जरूरी है, ये 2022 तक क्या 2030 तक, और अगर यही रहा तो शायद कभी भी शायद किसानों को न्याय नहीं मिलेगी इस व्यवस्था में। तो इसलिए ये एमएसपी सत्याग्रह हम कर रहे हैं। अभी हाल में हमारे कुछ साथियों ने जीएसटी सत्याग्रह किया था, और जीएसटी सत्याग्रह उन्होंने इस बात के लिए किया था कि जो हैंडीक्राफ्ट्स के जो लोग हैं, उसमें बहुत सारे किसान खेती के लोग जुड़े हुए हैं जो हैंडीक्राफ्ट्स पे काम करते हैं, उन पे 5% से लेकर 18% तक जीएसटी लगाया गया था। तो हमारे साथी के प्रसन्ना जी हैं जो कर्नाटक में, उन्होंने ये जीएसटी सत्याग्रह किया क्योंकि आम जनता के पास और कोई नहीं है। हम नहीं कह सकते कि जैसे कुछ लोग बंदूक उठाते हैं या करते हैं, वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम इस संविधान में विश्वास रखते हैं और इस जनतांत्रिक आंदोलन के तहत ही हमारा जो भी होगा एक के बाद एक कार्यक्रम हम करते जाएंगे। तो एमएसपी सत्याग्रह उसी की कड़ी है। एनएपीएम जो कम से कम पूरे देश में 250 संगठनों का एक अलायंस है, उसके सभी साथी जगह जगह मंडियों में ये कार्यक्रम करेंगे, अपने इलाकों में भी करेंगे, क्योंकि जरूरी है सरकार की झूठ का पर्दाफाश करना। तो हम लोग इस कार्यक्रम में साथ हैं और हमें आपका सहयोग चाहिए। आशा है आप लोग जरूर सहयोग देंगे। धन्यवाद।